हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम कनिष्का। वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। दोस्तों, आज हम एडजेक्टिव का थर्ड काइंड पढ़ेंगे, तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों, हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं हमने वे भी पढ़ लिया है, और एडजेक्टिव के दो टाइप्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, हमने एडजेक्टिव डेफिनेशन, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उनके दो पार्ट्स की डेफिनेशन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है, और आज हम एडजेक्टिव का तीसरा काइंड पढ़ेंगे, तीसरा प्रकार पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन सा है वो? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम हिंदी में कहते हैं इसको परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, या आप कह सकते हो मात्रावाचक विशेषण, आप इसको मात्रावाचक विशेषण भी कह सकते हो, बिकॉज क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मतलब मात्रा, और एडजेक्टिव विशेषण मतलब मात्रावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। अभी हम इसके बारे में आराम से पढ़ लेंगे। देखो, दोज वर्ड्स डेट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, वे शब्द, दोज वर्ड्स क्या होता है? वे शब्द जो वर्णन करते हैं, जो बताते हैं द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, किसी वस्तु की मात्रा को। थिंग्स मतलब वस्तु, वस्तु की मात्रा को, वस्तु की क्वांटिटी को जो शब्द बताते हैं, जो वर्ड्स बताते हैं, वर्णन करते हैं, जो डिस्क्राइब है, उसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णन करना या बताना। ठीक है, वे शब्द जो वस्तु की मात्रा को बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, दोज वर्ड्स डेट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताते हैं, ये भी डेफिनेशन सही है, और ये भी डेफिनेशन सही है, दोज वर्ड्स डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, जो शब्द वस्तु की मात्रा को बताते हैं, ये भी सही है। अब वस्तु की मात्रा कैसे बता रहे हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा, सम वाटर हैज़ बीन ड्रैंक, सम वाटर हैज़ बीन ड्रैंक, कुछ पानी पी लिया गया है, कुछ पानी पी लिया गया है। अब इसके अंदर पानी जो है वो क्या है? एक वस्तु है। पानी क्या है? एक वस्तु है। यहाँ वस्तुओं की मात्रा कौन बता रहा है? सम, कुछ, कुछ यहाँ वस्तु की मात्रा बता, जैसे मैंने कहा कुछ पानी पी लिया गया है, पानी कितना पिया गया है? कुछ पिया गया है। यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा पिया गया है, कम पिया गया है, बहुत सारा पिया गया है, कुछ पिया गया है, थोड़ा पिया गया है, कितना पिया गया है, पानी की कितनी मात्रा है? यहाँ पानी की मात्रा है कुछ, मतलब कुछ पानी पी लिया गया है। सम वाटर हैज़ बीन ड्रैंक, तो इसके अंदर जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है एक थिंग्स है, उसकी मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। किसने पिया? बिल्ली ने पिया, पिया होगा, हमें क्या मतलब उससे? हमें यहाँ ये देखना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ कौन सा ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है, तो इसके अंदर जो दूध है, अब इसके अंदर ये देखो थिंग क्या है। अब ये तो थिंग नहीं है, बिकॉज ये तो एक लिविंग थिंग है, थिंग नहीं है ये, क्या नहीं है ये? ये थिंग नहीं है, ये एक एनिमल्स के अंदर है, बिल्ली है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये चल सकती है, खा सकती है, पी सकती है। ड्रैंक ये एक वो है, वर्ब की फॉर्म है ये एक, ठीक है। और ऑल द मिल्क, अब इसके अंदर मतलब क्या है? इसके अंदर जो दूध है वो कितना पिया गया है? सारा पिया गया है। इसके अंदर वो क्या है? थिंग्स, वस्तु क्या है? द वस्तु है, नहीं, कैट भी वस्तु नहीं है, कैट भी थिंग नहीं है, ड्रैंक भी थिंग नहीं है, ऑल भी थिंग नहीं है, द भी थिंग नहीं है, और मिल्क, मिल्क जो है वो एक वस्तु है, क्योंकि दूध एक वस्तु है, वो ना ही चल सकती, ना ही खा सकती, ना ही पी सकती, ना ही देख सकती, तो जो दूध क्या है? एक वस्तु है। अब यहाँ देखो, ये वस्तु की मात्रा को कौन बता रहा है?
बिल्ली ने दूध सारा पिया है। जो बिल्ली ने दूध पिया है वो कितना पिया है? सारा पिया है। अब बिल्ली ने दूध सारा पिया है, थोड़ा पिया है, बहुत कम पिया है, बहुत सारा पिया है, कुछ पिया है, कितना पिया है बिल्ली ने दूध? बिल्ली ने दूध सारा पिया है। तो जो ओल है ये क्या है? ये मिल्क की मात्रा बता रहा है। मिल्क क्या है? एक वस्तु है, या वस्तु की मात्रा बता रहा है। ठीक है, जो ओल है वो क्या है? इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। हमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी है? वस्तु की मात्रा बताई। इसके अंदर वस्तु है मिल्क, मिल्क की मात्रा को ओल बता रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ओल क्या है? ओल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। इसके अंदर क्या है? मुझे कुछ पैसे दो। अब इसके अंदर जो थिंग है वो क्या है? मनी। मनी एक थिंग है, गिव एक थिंग नहीं है, मी एक थिंग नहीं है, मनी थिंग है। क्या है? मनी एक थिंग है। अब इसके अंदर डेफिनेशन क्या कहती है? वस्तु की मात्रा बताएं। अब वस्तु की मात्रा, मुझे कुछ पैसे दो, मैं पैसे कितने मांग रही हूँ? मैं कुछ पैसे मांग रही हूँ। तो पैसों की मात्रा कितनी है? ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, कुछ मात्रा है। यहाँ पैसों की मात्रा कितनी है? कुछ है। तो जो सम है वो क्या है? वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, परिमाणवाचक विशेषण है। थर्ड एग्जाम्पल है, द पेशेंट ड्रैंक सम वाटर, जो रोगी है उसने कुछ पानी पी लिया है। रोगी ने कुछ पानी पी लिया है। पेशेंट क्या होता है? रोगी। अब इसके अंदर जो थिंग है, वस्तु है, वो क्या है? वाटर। अब पानी जो है वो कितना पिया गया है? देखो, पानी, वाटर, मनी, मिल्क, ये सारे अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल है ना सारे। अभी चलो इस पर ध्यान दो, अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखो, सम मतलब द पेशेंट ड्रैंक सम वाटर, रोगी ने कुछ पानी पिया है। तो पानी की मात्रा कितनी है? ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, बहुत सारी नहीं है, बहुत कम नहीं है, कुछ है। यहाँ पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? कुछ है। तो पानी एक वस्तु है, वस्तु की मात्रा जो शब्द बताएं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। और यहाँ वस्तु क्या है? पानी। पानी कितना है? कुछ पानी है। अब कुछ कहाँ है इन सब में? शब्द, ये रहा शब्द। अब वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा को ये बता रहा है, ऐसा शब्द जो वस्तु की मात्रा बताए। अब वस्तु की मात्रा को तो ये शब्द बता रहे हैं, और उसी शब्द को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है? सम परिमाणवाचक विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरह इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सम, ऑल, मैनी, मच, इनफ, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन पढ़े हैं ना, तो ये सारे क्या है? मिल्क, मनी, वाटर, ये नाउन है। और नाउन ये कैसे हैं? अनकाउंटेबल है। ना ही हम मिल्क को गिन सकते, ना ही हम मनी को गिन सकते, ना ही हम वाटर को गिन सकते। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। नोट क्या है? नोट, ये अनकाउंटेबल होते हैं। समझ में आया? हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ लिया है, और अब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसके टू काइंड्स मतलब दो प्रकार ही पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, संख्यावाचक, संख्या का ये बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? संख्या का। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताता है। जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु की संख्या को, नंबर को, या नंबर के बारे में, अबाउट आ गया ना, नंबर के बारे में टॉक करता है, बताता है। जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसे थ्री बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तीन लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। थ्री बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तीन लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसके अंदर वस्तु तो है, बट अब व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। व्यक्ति कौन है इसके अंदर? ऑफिशियली सब समझ जाएंगे, इतने तो मेरे दोस्त इंटेलिजेंट भी हैं, सब समझ जाएंगे। इसके अंदर पर्सन क्या है? बॉयज। बॉयज क्या है? एक पर्सन है। अब बॉयज जो लड़के हैं,
पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर्सन की संख्या को कौन बता रहा है? बॉयज। बॉयज की संख्या कितनी है? प्लेइंग बॉयज की संख्या है? नो, फुटबॉल भी नहीं है, थ्री बॉयज की संख्या, क्योंकि लड़के कितने हैं? तीन लड़के हैं, लड़के तीन हैं। तो यहाँ बॉयज की संख्या को कौन बता रहा है? थ्री बता रहा है। और ऐसा मतलब जो पर्सन की संख्या को बताए ऐसा विशेषण। अब यहाँ पर्सन है ये, इसकी संख्या को बता रहा है थ्री, तो इस तरह ये विशेषण हुआ। और उस विशेषण को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर से समझेंगे, देखो तीन लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसके अंदर लड़के क्या है? एक पर्सन है। अब इसकी डेफिनेशन है जो व्यक्ति की संख्या को बताए ऐसे विशेषण। अब इस सेंटेंस के अंदर वो पर्सन क्या है? बॉयज। बॉयज एक पर्सन है। अब बॉयज की संख्या को, क्योंकि लड़के जो हैं बॉयज हैं वो कितने हैं? बॉयज तीन बॉयज हैं। ये संख्या ही तो है, संख्या मतलब 1 2 3 4 मैथ में पढ़ते हो, संख्या ही तो होती है ना ये। तो यहाँ पर्सन मतलब बॉयज, बॉयज की संख्या को कौन बता रहा है? थ्री। मतलब बॉयज कितने हैं? तीन बॉयज हैं। तो बॉयज जो पर्सन है उसकी संख्या क्या है? थ्री। पर्सन की संख्या को जो विशेषण बताए, अब पर्सन की संख्या है तो इसका मतलब इस तरह से एक क्या हुआ? एक विशेषण हुआ। अब उन विशेषण को हम एडजेक्टिव नंबर कहते हैं। अब ये विशेषण निकल गया, और इसी अगर ये विशेषण है और पढ़ा भी है या जो विशेषण है उसको हम एडजेक्टिव नंबर कहते हैं। विशेषण ये निकला है तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव नंबर। नंबर मतलब संख्या, और ये संख्या ही है। समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल है सम गर्ल्स वर क्राइंग, कुछ लड़कियां चिल्ला रही हैं। अब इसके अंदर पर्सन क्या है? पर्सन इसके अंदर गर्ल्स है। देखो पर्सन इसके अंदर क्या है? गर्ल्स है, ठीक है, ये चल नहीं रहा, ऐसे कर लेते हैं। पर्सन इसके अंदर क्या है? गर्ल्स हैं। कुछ लड़कियां क्या कर रही हैं? चिल्ला रही हैं। तो इसके अंदर लड़कियां क्या हैं? एक पर्सन है। अब पर्सन की संख्या कितनी है? एक है, दो है, तीन है, कितनी है? एक दो तीन तो नहीं है, बट कुछ हैं। यहाँ हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही ना, यहाँ हमें लड़कों की पूरी संख्या मिल रही थी, मतलब पूरी जानकारी मिल रही थी कि तीन लड़के हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, सिंपल खत्म। यहाँ लड़कियाँ चिल्ला रही हैं, बट यहाँ ऐसे नहीं पता चलता कि लड़कियाँ चिल्ला रही हैं, कितनी चिल्ला रही हैं, कुछ लड़कियाँ चिल्ला रही हैं, कुछ में कितनी आ गई, पूरी संख्या की जानकारी नहीं है। अभी उसको हम पढ़ेंगे, बट यहाँ ये गर्ल्स की संख्या है ना, तो इस हिसाब से ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब ऐसे विशेषण जो व्यक्ति की संख्या को बताएं, अब व्यक्ति की संख्या को बता रहे हैं तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। और उन विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो जो सम है वो क्या है? वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। थर्ड एग्जाम्पल है फाइव गर्ल्स आर डांसिंग इन द रूम, पांच लड़कियां कमरे के अंदर नाच रही हैं। अब कमरे के अंदर नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं, बिल्कुल सिंपल है, यही पता चल रहा है कि कितनी नाच रही हैं, पांच नाच रही हैं। पर्सन है, पर्सन की संख्या को बता रहा है। पर्सन की संख्या कौन बता रहा है? फाइव बता रहा है। तो ये क्या है? एक ये फाइव जो है ये क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्यावाचक विशेषण है। अब व्यक्ति की भी संख्या को बताएं ऐसे विशेषण। अब यहाँ व्यक्ति की संख्या को बता रहे हैं तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। वस्तु की भी संख्या बता सकता है, जैसे पांच पेन। पेन कितने हैं? पांच हैं, फाइव पेन्स, पांच पेन। तो यह पेन की संख्या बता रहा है फाइव, तो फाइव क्या है? फाइव एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। देखो जैसे टू थ्री फोर सम मैनी एटसेट्रा, ये क्या है? ये पूरे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब देखो 2 3 4 1 2 6 7 ये सब क्या है? इससे हमें पूरी जानकारी मिल रही है, बट ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल हैं, पर हमें इनसे पूरी जानकारी नहीं मिल रही। तो ऐसे संख्यावाचक जिनसे हमें पूरी भी जानकारी मिल रही है, और ऐसे भी संख्यावाचक हैं जिनसे पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। अब संख्या के संख्यावाचक के अंदर दो तरह की संख्या होती है, एक संख्या जिससे हमें पूरी जानकारी मिले, पूरी संख्या का मतलब अच्छे से बात जो है वो समझ में आए, एक जिससे हमें समझ में ना आए, जैसे सम मैनी बहुत सारी लड़कियां कुछ लड़के, इससे हमें जानकारी पूरी नहीं पता कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं। बट अगर हम कहें कि तीन लड़के पांच लड़कियां, तो ऐसे हमें इसकी पूरी जानकारी मिल रही है। तो इस तरह संख्या के अंदर ही आई ये दोनों चीज़ें। तो इसी तरह देयर आर टू टाइप्स, जो संख्यावाचक विशेषण है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट और सेकंड है इनडेफिनेट। डेफिनेट को हम कहते हैं निश्चित, और इनडेफिनेट को कहते हैं अनिश्चित। अब डेफिनेट के बारे में पढ़ो। देखो डेफिनेट क्या होता है? निश्चित, निश्चित मतलब कि जिससे हमें पूरी निश्चित जानकारी मिल रही है। जैसे कि यहाँ क्या है? थ्री बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के कितने फुटबॉल खेल रहे हैं? तीन फुटबॉल खेल रहे हैं।
तीन लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ हमें लड़कों की पूरी जानकारी मिल रही है। डेफिनेट के अंदर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितने भी हैं एटसेट्रा सो ऑन, ठीक है, ये सारे डेफिनेट के अंदर आ जाएंगे क्योंकि इससे हमें पूरी जानकारी मिल रही है, जैसे कि 3 लड़के, 5 लड़कियां, 6 पेन, 7 किताबें, 10 मोबाइल, इससे हमें पूरी जानकारी मिल रही है। बट जिससे हमें पूरी जानकारी ना मिले, जैसे इनडेफिनेट के अंदर आ गए, जिससे हमें पूरी जानकारी मिले, पूरी निश्चित जानकारी मिले, जैसे 3 लड़के, 5 लड़कियां, वो आ जाएगा डेफिनेट के अंदर। मतलब डेफिनेट शब्द से ही लग रहा है, बिल्कुल डेफिनेट और बिल्कुल निश्चित हो। और जिससे हमें पूरी जानकारी ना मिले वो आ गया इनडेफिनेट के अंदर। जैसे मैंने कहा कि कुछ पेन, सम पेन्स, क्या कहा मैंने, सम पेन्स, कुछ पेन। अब इसके अंदर आपको नहीं पता कि पेन कितने हैं, एक है, दो है। अगर ऐसे होता कि एक पेन तो वो डेफिनेट के अंदर आ जाता है और कुछ पेन तो वो इनडेफिनेट के अंदर आ जाता है। जैसे मैंने कहा आई हैव मैनी सिस्टर्स, मेरी कुछ बहनें हैं, मेरी बहुत बहनें हैं। अब आपको पता है मेरी कितनी बहनें हैं, 10, 20, 30, अब इतनी तो होंगी नहीं, 5, 6, 7 कितनी बहनें हैं, नहीं आपको पता, नहीं मुझे, मुझे तो पता है बहन तो मेरी है, वैसे आपको नहीं पता ना, मैंने कहा मेरी बहुत बहनें हैं, आपको क्या पता कितनी है। और अगर मैं ऐसे होगी मेरी 6 बहनें हैं, मैंने क्या कहा मेरी 6 बहनें हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया कि बहनें कितनी हैं, 6 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेट के अंदर आ जाएगा। और मैं कहूँ मेरी बहुत बहनें हैं तो वो इनडेफिनेट के अंदर आ जाएगा, जिससे हम पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। दोस्तों इनडेफिनेट की कहानी तो यहीं तक है, बट जो डेफिनेट है उसकी कहानी आगे तक चलेगी, क्योंकि इसी तरह जो डेफिनेट है उसके 3 प्रकार और हैं, 3 टाइप्स और हैं। फर्स्ट है कार्डिनल, सेकंड है ऑर्डिनल और थर्ड है मल्टीप्लिकेटिव। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वे क्या होते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकार की डेफिनेशन। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेट, जो निश्चित होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है कार्डिनल, सेकंड होता है ऑर्डिनल और थर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव। फर्स्ट होता है कार्डिनल, सेकंड ऑर्डिनल और थर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव। फर्स्ट है उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे 1, 2, 3 एटसेट्रा, जो ये एग्जांपल्स हैं किसके हैं, कार्डिनल्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये एग्जांपल्स कार्डिनल्स के क्यों हैं, कार्डिनल में होता है जिसमें हमें नाउन की शुद्ध संख्या का ज्ञान हो, बिल्कुल शुद्ध संख्या हो, बिल्कुल शुद्ध संख्या हो। जैसे मैंने कहा ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। अब उसके भाई तो हैं, ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया, नाउन की शुद्ध संख्या का ज्ञान होना चाहिए। जैसे उसके भाई हैं, कितने भाई हैं, उसके 2 भाई हैं, पूरी जानकारी मिल रही है, उसके भाई कितने हैं, 2 भाई हैं। तो ये क्या है, ये जो 2 है ये कार्डिनल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा जितने भी जाते हैं ये सब क्या हैं, ये कार्डिनल के एग्जाम्पल हैं, जिससे हमें नाउन की शुद्ध संख्या का ज्ञान होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा आई हैव 4 बुक्स, बुक्स क्या है, एक नाउन है। दोस्तों बुक्स भी एक नाउन है। अब आप कहोगे कि जो हमने पढ़ा था किसी का नाम नाउन होता है, बुक्स का नाम जो होते हैं इंग्लिश हिंदी वो नाउन होना चाहिए, नहीं, बुक्स एक वस्तु का नाम है ना। देखो ये पेन है, हमने क्या पढ़ा था, वस्तु नाउन नहीं होता, जो वस्तु शब्द है वो नाउन नहीं होता, वस्तु के अंदर जो मतलब वो आते हैं, जो वस्तुएं हैं उनके नाम नाउन होते हैं। अब ये एक वस्तु है, वस्तु का नाम क्या है, पेन, तो ये क्या है, एक नाउन है। पेन भी एक नाउन है, पेन के जितने नाम होते हैं वो भी नाउन है। बुक्स भी नाउन है, बुक्स के जितने नाम होते हैं वो भी नाउन है, ठीक है। तो बुक्स एक नाउन है, नाउन के हमें शुद्ध संख्या मिल रही है कि मेरे पास बुक कितनी है, कुछ बुक्स, ये तो इनडेफिनेट हो गया, पूरी जानकारी तो मिल ही नहीं रही। इस मैंने कहा कि आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। तो इस शब्द से, ये शब्द क्या है, कार्डिनल, इससे आपको नाउन जो बुक है उसकी शुद्ध संख्या पता चल रही है, उसका ज्ञान हो रहा है, ठीक है। कार्डिनल आपने पढ़ लिया। सेकंड है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के कौन से एग्जांपल्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। एग्जांपल है ही गोट द फर्स्ट प्राइस, उसने प्राइस तो प्राप्त किया है, बट कैसा प्राइस प्राप्त किया है, पहला। इसमें पता है ऑर्डिनल में क्या होता है, क्रम बताते हैं, क्या बताते हैं, क्रम, कि उसका मतलब वो पहली पोजिशन पर आया, हम कहते हैं ना कि तुम्हारा मतलब कौन सी पोजिशन ली है तुमने, जैसे मैं तो 10th पे आई हूँ, वो फर्स्ट पे आया है, वो सेकंड पर आई है, मैं फर्स्ट पर आई हूँ, वो सेकंड पर आई है, मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्रम के हिसाब से नहीं चलते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट पर खड़ा होगा, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, ऐसे क्रम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्डिनल होते हैं। जैसे उसने प्राइस तो प्राप्त किया, उसने कैसा
प्राइज प्राप्त किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, वो ओरिजिनल है। सेकंड एग्जांपल है वी गोट द थर्ड बुक्स, उसने जो किताब है वो प्राप्त किया। उसने किताब कैसी प्राप्त किया है, उसने थर्ड तीसरी किताब प्राप्त किया। इसमें बताओ देखो क्रम बता रहे, उसने जो किताब की है वो पहली करी है, दूसरी की है, तीसरी, चौथी, उसने तीसरी किताब प्राप्त की है। जो थर्ड है वो क्या है, वो ओरिजिनल है। अब जो थर्ड है वो है मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव एग्जाम्पल है ट्वाइस थ्राइस सिंगल एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है, मल्टीप्लीकेटिव के एग्जाम्पल है। इसमें जो भी वाक्य होता है ना उसको दूसरी बार या तीसरी बार फिर से दोहराया जाता है। जो भी वाक्य होता है, जो भी बात होती है, उसको फिर से दोहराया जाता है। जैसे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्राइस, तुमने जो सवाल है उसको तीसरी बार हल किया है। तुमने जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, उसको तीसरी बार हल किया है। पहली बार भी कर दिया, फर्स्ट बार भी कर दिया, सेकंड बार भी कर दिया, वो तीसरी बार कर रहा है। वो उस जो काम है, जो भी काम कर रहा है सवाल को हल करने का, वो फिर से कर रहा है। उसने जो काम किया है वो उसने फिर से दोहराया है। पहली बार भी करा, फिर दूसरी बार भी करा, फिर तीसरी बार भी करा, तो काम को उसने दोहराया है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव। सेकंड एग्जांपल है दे आर प्लेइंग ट्वाइस, वे खेल रहे हैं दूसरी बार। अब वे जो काम कर रहे हैं खेलने का, उसको फिर से दोहरा रहे हैं। तो जो ट्वाइस है, थ्राइस है, वो क्या है, वो मल्टीप्लीकेटिव है। तो इसी तरह कार्डिनल के अंदर आ जाते हैं, ध्यान रखना, कार्डिनल के अंदर 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। ऑर्डिनल के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, ये किसके अंदर आ जाते हैं, ऑर्डिनल के अंदर आ जाते हैं एटसेट्रा। और जितने भी मल्टीप्लीकेटिव के अंदर ट्वाइस थ्राइस सिंगल डबल ट्रिपल एक्सेट्रा और जितने भी आ जाते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आज ये सिर्फ इतना ही था, ठीक है। हमने इतना पढ़ लिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी क्या करेंगे, इसकी वो करेंगे जो हम वो नहीं करते, प्रैक्टिस। तो हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस। तो देखो प्रैक्टिस क्या है, एक बात मैं बतानी भूल गई थी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा काउंटेबल होते हैं, ध्यान रखना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो अनकाउंटेबल होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल होते हैं, ठीक है, बिकॉज एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट ड्रैंक सम वाटर, ये एग्जांपल अभी मैंने लिया था, तो वही है। पहला एग्जांपल तो बिल्कुल आसान है, पेशेंट रोगी ने कुछ पानी पी लिया है, रोगी ने कुछ पानी पी लिया है। तो यहाँ जो ये एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या क्योंकि आप पानी की मात्रा बता रहे हैं। अब पहली बात, पानी क्या है, एक पानी एक अनकाउंटेबल है, और हमेशा अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अभी हम जितना पढ़ रहे हैं उसके अंदर अनकाउंटेबल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इस ओर से ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये तो हमने अभी निकाला है, और वैसे यहाँ पानी की मात्रा भी बता रहे हैं, कौन बता रहा है पानी की मात्रा, सम, क्योंकि पानी रोगी ने कितना पिया है, कुछ पानी पिया है, तो जो कुछ है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। अब है शी हैज़ टू डॉग्स, उसके पास कितने कुत्ते हैं, उसके पास दो कुत्ते हैं, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर कौन सा है, ये कार्डिनल है, 1 2 3 इसके अंदर नाउन जो है डॉग, उसकी शुद्ध संख्या का ज्ञान हो रहा है कि डॉग्स जो हैं कितने हैं, दो हैं, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर जो डेफिनेट है उसका फर्स्ट पार्ट कार्डिनल, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ, ये क्या है, ये तो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर, किसके अंदर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर ये कौन सा है, ये कार्डिनल है, डेफिनेट का ही पार्ट है, क्या है ये, कार्डिनल, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है द थर्ड बुक्स इज द सीरीज इज माय फेवरेट, इसके अंदर जो बुक है वो कौन सी है, थर्ड बुक है, तीसरी किताब है। तो इस हिसाब से अब देखो ये पानी की किसी की मात्रा थोड़ी ना बता रहे, अब पहली बात बुक्स, बुक्स एक नाउन है, नाउन को तो ये तो गिन सकते हैं,
और जो एडजेक्टिव क्वांटिटी होते हैं उनको हम नहीं गिन सकते, या तो हम गिन सकते हैं, और जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसके अंदर ये डेफिनेट है इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट तो है नहीं क्योंकि बुक्स तो पता चल रही है, मतलब तीसरी बुक है जो तीसरी बुक है सीरीज के अंदर उस वो कैसी है उसकी पसंद है, ठीक है। यहाँ जो बुक्स हैं वो कौन से तीसरी है, तो ये इनडेफिनेट तो है नहीं, डेफिनेट के अंदर ये कौन सा है ये आपको पता लगाना है, ये डेफिनेट के अंदर ऑर्डिनल है, कौन सा है, ऑर्डिनल, ठीक है। अब फोर्थ एग्जांपल है शी एट मैनी ब्रेड, उसने जो क्या खाए हैं, ब्रेड खाए हैं बहुत, उसने बहुत ब्रेड्स खाए हैं। अब इसने जो ब्रेड्स खाए हैं वो कितने खाए हैं, इसने ब्रेड्स बहुत खाए हैं, कितने खाए हैं, बहुत खाए हैं। अब फिफ्थ एग्जांपल है, अब ये क्या है, शी एट मैनी ब्रेड्स, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर कौन सा है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, नंबर के अंदर ये इंडेफिनेट है क्योंकि इसने ब्रेड जो खाए हैं वे बहुत खाए हैं। अब मैंने तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी एग्जांपल था, देखो इसके अंदर नाउन क्या है, ब्रेड, और ब्रेड को हम गिन सकते हैं, यहाँ वाटर ये भी तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, मतलब नंबर के अंदर इंडेफिनेट हो सकता था क्योंकि सम तो इंडेफिनेट का भी एग्जाम्पल है, मैनी भी इंडेफिनेट का एग्जाम्पल है। अब देखो इसके अंदर ये क्यों है, बिकॉज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, जो नाउन होता है किसी भी वाक्य में वो अनकाउंटेबल होता है, जब वो अनकाउंटेबल हो तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, हमेशा नहीं। अब हम जितना पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो उसने पानी कितना पिया है, कुछ पिया है, कुछ पानी पिया है, तो जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब इसके अंदर ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर इनडेफिनिट है, ठीक है। इनडेफिनिट कैसे हो बता दिया, बिकॉज जो नाउन है इसके अंदर काउंटेबल है, और नाउन अगर काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर एक कौन सा, डेफिनेट, इनडेफिनिट, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लीकेटिव, तो ये इनडेफिनिट है, बिकॉज मल्टीप्लीकेटिव कौन से होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, और ऑर्डिनल कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल कौन से होते हैं, 1, 2, 3। डेफिनेट जैसे पूरी संख्या का ज्ञान हो, इसमें ब्रेड तो कितने हैं हमें यही नहीं पता चल रहा, बट ये काउंटेबल तो है, इस तरह ये इनडेफिनेट है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर ये कौन सा है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर इनडेफिनेट है, ठीक है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट सम पेन, मुझे कितने पेन चाहिए, मैं कुछ पेन चाहती हूँ। अब इसके अंदर ये सम क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, नहीं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है। अरे सम तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी एग्जांपल है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होना चाहिए, और ये एडजेक्टिव नंबर के अंदर उसका भी एग्जांपल है इंडेफिनेट का। तो अब दिमाग लगाओ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है का एग्जाम्पल है जो ये है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर इंडेफिनेट, तो मैं इतना तो मैंने बता दिया क्योंकि डेफिनेट भी नहीं है, कार्डिनल भी नहीं है, ऑर्डिनल भी नहीं है, मल्टीप्लीकेटिव भी नहीं है, तो ये कौन सा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल है या ये इंडेफिनेट का एग्जाम्पल है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जब भी मैं जितनी वीडियो में अगर प्रैक्टिस करवाऊंगी तो उसके अंदर एक क्वेश्चन तो दूंगी ही कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। तो अब आपको इसमें बताना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर इंडेफिनेट का एग्जांपल है। आज हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, ये कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।